आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया, आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं अभी की इस खास और अहम खबर को। हम सभी जानते हैं कि बिजली नहीं होने पर छात्र छात्राओं का पढ़ाई लिखाई में कितना नुकसान होता है, और बात करें आदिवासी गांव की, वहां तो ये समस्या बिल्कुल आम है। वहां पर अधिकतम समय लाइट नहीं रहती है, लेकिन अब इसका भी हल निकाल लिया गया है। सोलर लैंप से उन्हें लाइट दी जाएगी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के केसला ब्लॉक में 100 विद्यार्थी अब बिजली गुल होने के बाद सोलर लैंप की मदद से पढ़ाई कर सकेंगे। बेहद अच्छी पहल की गई है। जब गांधी जयंती के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, वहीं मोहम्मद आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट भोपाल और आईआईटी मुंबई की मदद से आदिवासी बच्चों के लिए इस तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं। सोलर लैंप असेंबल्ड करने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। हमारे यहाँ आज 2 अक्टूबर को यहाँ पर सोलर लैम्प बनाने का जो कार्यक्रम था, उसमें हमने 100 बच्चों ने मिलकर सोलर लैम्प बनाए हैं, और इससे हमको पढ़ने में जब लाइट चली जाती तो इससे बहुत सुविधा होगी। सबसे अच्छी बात कि इस वर्कशॉप के लिए मध्य प्रदेश के एकमात्र स्कूल शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय केसला का चयन किया गया। ये आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। आईआईटी मुंबई और मेनिट द्वारा गांधी ग्लोबल सोलर यात्रा के तहत 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर दुनिया के 180 देशों से लगभग 10 लाख विद्यार्थी सोलर लैंप को बना रहे हैं। एक मुहिम है कि हम अभी सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करें, उसे यूज करें। अभी हम यहाँ पर आए हैं, इनको बच्चों को बता रहे हैं कि सोलर एनर्जी से हम लैंप चला सकते हैं, तो आगे वो कुछ और भी इससे सोलर एनर्जी से कुछ और भी कर सकते हैं। एक बच्चों को यहाँ सोलर एनर्जी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह हमारा टारगेट था इस स्कूल में, इटारसी के स्कूल में, कि हम 100 सोलर लैंप देंगे, डोनेट करेंगे 100। तो वो यहाँ पर सभी ने बढ़ चढ़ के अच्छे से हिस्सा लिया है। हमारे पूरे 100 सोलर लैंप हम डोनेट कर पाए हैं इधर। फंडिंग आपकी तरफ से भी की गई है? या ये हमारी फंडिंग पूरे कॉलेज से, मैनेट कॉलेज से, आईआईटी बॉम्बे से, और जो हमारे सीनियर्स जो निकल चुके हैं, सभी ने अपना अपना जो अपने अपने पास से जो हो सका है सभी ने अपना वो डोनेट किया है। कितना एक सोलर का लगता होगा जो पैनल? जो ये सोलर पैनल में अप्रोक्स 500 रुपी लगता है इसमें, एक पूरे इसका स्ट्रक्चर। आज केसला ब्लॉक में आके आपको कैसे लगा ये बच्चों के लिए? बहुत अच्छा लगा, इट्स अ नाइस फीलिंग विद कम्युनिकेट विद देम। आपको लगता है कि यहाँ पर इसका सही उपयोग होगा? हाँ, इसी जगह सही उपयोग होगा, क्योंकि शहर में सोलर पैनल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोवाइड है अच्छे से। लेकिन जो अपने विलेज एरिया है, जो दूर दूर तक, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कम से कम आती है। जैसे रात में, जैसे अभी थोड़ी बारिश हुई तो इलेक्ट्रिसिटी गुल कर देते हैं, तो उन एरियो में ये बहुत यूजफुल रहेगी। सर, कितना बैकअप है इसका? इसका बैकअप अप्रोक्स आप 24 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं, 15-24 आवर्स कर सकते हैं, और ये वापस रिचार्ज मैक्सिमम 130-2 आवर्स में हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे 100 बच्चों को जो है यहाँ पे एक साथ जो है सोलर लैंप बनाना सिखा रहे हैं, जिससे कि वो एक एक चीज़ के उनके पार्ट्स के बारे में, सब कुछ के बारे में वो जान पा रहे हैं, और उनको कैसे उसको असेंबल करना है, उनको उसको कैसे यूज़ करना है, उनको सब कुछ वो चीज़ पता। आपको बता दें कि बाकी स्थानों पर इंजीनियरिंग कॉलेज अथवा निजी स्कूलों में इस तरह का आयोजन होगा, और मेनिट में स्वयं अपने लिए बना रहे सोलर लैंप के लिए प्रत्येक विद्यार्थियों को 510 रुपये का शुल्क जमा किए गए हैं, जबकि केसला के बच्चों को निशुल्क लैंप देने के लिए 800 लोगों ने चैरिटी दी है। सर, आईआईटी बॉम्बे का ये सोलर ग्लोबल गांधी सोलर यात्रा है सर, उसके अंतर्गत हमारी संस्था का चयन किया गया है, और करीब 100 बच्चों का हमारे स्थानीय स्तर से हम लोगों ने चयन करके उनको सोलर लैंप बनाने की एक कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें मैरिट भोपाल का भी सहयोग है, और मैरिट भोपाल से मॉनिटरिंग के लिए 4 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आए।